हमें क्या करना है, हमें प्रेयर करना है। प्रेयर के लिए जॉइंट योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। नाउ थैंक यू प्रेयर। थैंक यू गॉड फॉर द वर्ल्ड सो स्वीट, वर्ल्ड सो स्वीट। थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी ईट, फूड वी ईट। थैंक यू गॉड फॉर द बर्ड्स दैट सिंग, बर्ड्स दैट सिंग। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। ओके, देन आफ्टर जी एंड राइट हमारे हाथ पर रखना है और स्ट्रेट खड़े रहना है। ठीक है, यू आर विदिन मी, यू आर इंफिनिट, यू आर यूनिक, माय पोटेंशियल इनसाइड, यू आर द विंग्स बीनीथ माय फ्लाइट, यू डिफाइन मी माय पोटेंशियल इनसाइड। टुडे आई प्लेज विथ ऑल माय हार्ट, आई शैल अचीव यू माय पोटेंशियल इनसाइड। ओके, प्रेयर फिनिश। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा ओरल करना है। अब हम थोड़ा सा ओरल करेंगे। ठीक है, ओरल में थ्री मील ऑफ द डे रिवाइज करेंगे। हमने ये सब किया हुआ है बट आज हम रिवाइज करेंगे। थ्री मील ऑफ द डे, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। ओके, नेम प्रोडक्ट मेड बाय मिल्क। मिल्क से क्या क्या बनता है, तो मिल्क से चीज, पनीर, बटर मिल्क, आइसक्रीम, कर्ड, स्वीट्स, मिल्क शेक, ये सब किससे बनता है, मिल्क से बनता है। ठीक है, आपको ये सब याद रखना है। नेम फाइव वेजिटेबल्स में, पटेटो, टमेटो, कैरेट, कैबेज, कॉलीफ्लावर, लेडी फिंगर, कुकुम्बर, ये सब क्या है, वेजिटेबल है। ओके, अब नेम फाइव फ्रूट्स में, फ्रूट्स में एप्पल, मैंगो, चीकू, पाइन एप्पल, वाटरमेलन और बहुत सारा होता है, हमें फाइव बोलना है। ओके, अब नेम फाइव फ्लावर्स में, रोज, लिली, जास्मिन, मोगरा, लोटस। ओके, हमें ये सब हाँ याद रखना है। ठीक है, अब नेम सिक्स पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। सिक्स पार्ट्स हुए ना, आपको ये रोज रिवाइज करना है। ठीक है, तो अब हम करेंगे कंसेप्ट टाइम। कंसेप्ट टाइम कौन करवाएगा, भक्ति मैम। गुड मॉर्निंग किड्स, से गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। नाउ इट्स टाइम टू डू कंसेप्ट टाइम। कंसेप्ट टाइम में हम क्या करेंगे, नंबर्स एंड अल्फाबेट्स। ओके, फर्स्टली वी हैव टू डू अल्फाबेट्स। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फ्लावर, जी फॉर गन, एच फॉर हॉर्स, आई फॉर आइसक्रीम, जे फॉर जूस, के फॉर काइट, एल फॉर लायन, एम फॉर मैंगो, एन फॉर नेस्ट, ओ फॉर ऑरेंज, पी फॉर पैरेट, क्यू फॉर क्वीन, R for rose, S for centaur, T for tiger, U for umbrella,
किड्स, नाउ इट्स लैंग्वेज टाइम। लैंग्वेज टाइम में हम क्या करेंगे? हाउ टू राइट ए टू एम एंड नंबर्स में 1 टू ए ऑन स्लेट। ओके, नाउ फर्स्ट लेटर ए, वन स्लैंटिंग लाइन, अनदर स्लैंटिंग लाइन, इन द मिडल स्लीपिंग लाइन। ए, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर एलिगेटर। Then B, one standing line, curved, another curve. B, B for ball, B for balloon, B for bus. Then C, curved. C for cat, C for camel, C for cake. Then the letter D, one standing line and curve. D for dog, D for dolphin, D for door. D ke baad E, one standing line and three slipping line. Up, middle and down. E for elephant, E for egg, E for eyes. Then F, one standing line and two slipping line, one in the up and in the middle. F for fish, F for fan, F for fingers. Then G, curved, up, inside, outside and down. G, G for grapes, G for goat, G for gun. Then H, one standing line, another standing line, in the middle slipping line. H, H for hat, H for hen, H for house. I, slipping line in the middle, standing line. I for ice cream, I for igloo, I for inkpot. Then J, slipping line, standing line, curved. J for juice, J for jug, J for joker. Then K, one standing line, middle se up, slanting line, another slanting line. K, K for kite, K for kangaroo, K for king. Then L, standing line and slipping line. L for lion, L for laptop, L for lollipop. Then M, one standing line, slanting line, slanting line, standing line. M, M for mango, M for monkey, M for mouse. Okay? अब हम M एक बार और रिपीट करेंगे. Okay? Standing line, curved, slanting line, and the slanting line, standing line. M, कौन सा लेटर है? लेटर M. ये न्यू लेटर है ना, तो आपको A से लेके M तक घर पे राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, स्लेट पे, बोर्ड पे, नोटबुक में. हाँ, अब हम करेंगे नंबर्स, और आपको नंबर्स प्रैक्टिस करना है घर पे, राइटिंग प्रैक्टिस 1 to 8 एंड ओरल प्रैक्टिस 1 to 30. हाँ, तो फर्स्ट हम लिखेंगे 1, बॉक्स के अंदर लिखना है. देखो ये बॉक्स है, नीचे वाला लाइन को टच करके. हाँ, वन स्टैंडिंग लाइन वन, देन कर्व्ड एंड स्लीपिंग लाइन टू, देन कर्व्ड अनदर कर्व्ड थ्री, देन वन स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन फोर, देन स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन कर्व्ड फाइव, कर्व्ड अनदर कर्व्ड स्मॉल
6. Then slipping line and slanting line. 7. Then one circle, another circle. 8. आपको ऐसे करना है. वन मोर टाइम. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. घर पे आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है नीचे लाइन को टच करके. ओके, नाउ इट्स कलरिंग टाइम. अब हम कलर करेंगे. ओके, अब हम करेंगे कलरिंग. ठीक है, ये क्या है? फ्रूट बास्केट. फ्रूट बास्केट है जिसमें मम्मा हमारे लिए बहुत सारे फ्रूट्स रखते हैं डाइनिंग टेबल पे, है ना? तो हमें इसे कलर करना है, डिफरेंट डिफरेंट कलर करना है. ठीक है, तो फर्स्टली बास्केट को हमें कौन सा कलर करेंगे? ब्राउन. आपको जो कलर अच्छा लगे आप वो कलर करना. ठीक है, हम यहाँ पे बास्केट को ब्राउन कलर करेंगे. हमें ध्यान रखना है कि कलर बाहर ना निकले, स्लोली स्लोली करना है हमें. ठीक है, देखो हमारा बास्केट का कलर फिनिश होने आया. यस, आपने कर लिया. अब हम क्या है, किसे कलर करेंगे? बनाना. बनाना कौन सा कलर का होता है? येलो. तो हम येलो कलर करेंगे बनाना. हमें ध्यान रखना है कि कलर बाहर ना निकले, आपको स्लोली स्लोली करना है. ठीक है, यस, देखो ब्यूटीफुल लग रहा है बनाना, है ना? अब हम करेंगे ऑरेंज को कलर. ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है, तो हम ऑरेंज कलर करेंगे. यस, ऑरेंज का कलर कर लिया. अब हम एप्पल को कलर करेंगे. एप्पल रेड कलर. ठीक है, टू एप्पल्स है हमारे पास. अब हमें ग्रेप्स को कलर करना है, ग्रीन कलर. ग्रेप्स का ग्रीन होता है और पर्पल होता है, बट हम ग्रीन कलर करेंगे. ठीक है, आपको अगर पर्पल कलर पसंद है ग्रेप्स, तो आप पर्पल भी कर सकते हो. वेरी नाइस, देखो हमारा बास्केट कितना ब्यूटीफुल लग रहा है. यस, हमने कर लिया. आपको ऐसे घर में हम पीडीएफ भेजेंगे, उसमें से प्रिंट आउट निकाल के आपको ये कलर करना है बास्केट को, फ्रूट बास्केट को. ओके, इट्स टाइम टू से बाय बाय. बाय बाय.